Hello and welcome to my very first video जहाँ पर मैं आज पहली बार audio पर live हूँ and today we are experiencing Indian local train simulator. आज हम चलाएंगे मुंबई की local train. Origin of train is छत्रपति शिवाजी terminus and end destination is Kalyan. ये एक फास्ट लोकल ट्रेन है जो बायकला दादर कुर्ला घाटकोपर थाने डोंबिवली एंड कल्याण इन स्टेशनों पर रुकेगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से समय पर आपको ये गाड़ी चलानी है, कौन सा वेदर आपको चूज़ करना है. सो यू कैन गो विद द क्लियर वेदर बिकॉज your graphic quality has the highest level of clarity in this weather. Now let's start the game. We will be starting from Chhatrapati Shivaji terminus, which is called CST. आप देख सकते हैं एक मेल ट्रेन निकल चुकी है और ये लीजिए हमारा सिग्नल खुल गया है. आप देख सकते हैं राइट साइड पे टॉप पर हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट स्टेशन इज 500 some odd meters, मतलब उतनी दूरी पर अपना अगला स्टेशन है. आप देख सकते हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं. अगला सिग्नल जो है वो लगने वाला है करीब करीब 170 मीटर पर. ये ओवर स्पीडिंग का मैसेज आ रहा है. बायकला पहुंच रहे हैं और ये मैंने लीवर पूरा डाल दिया है नीचे की तरफ ताकि गाड़ी की स्पीड पूरी तरह से स्लो हो जाए. इस लीवर को आपको एडजस्ट करना है. आप जैसे चलाएंगे वैसे आपको एक्सपीरियंस होगा कि गाड़ी की स्पीड किस तरह से इफ़ेक्ट होती है इस लीवर पे. ये इमरजेंसी ब्रेक का भी ऑप्शन है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, जिसको प्रेस करने से गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है. और ये मेल जो है वो निकल चुका है बायकला से और हम भी उसी मेल को फॉलो करेंगे. हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो है वो करीब 650 मीटर की दूरी पे है और नेक्स्ट स्टेशन का नाम है दादर स्टेशन. काफ़ी छोटी छोटी बारीकियों पर अच्छा काम किया गया है. आप लेफ़्ट में जो बिल्डिंगें देख रहे हैं कुछ पुरानी कुछ नई, कुछ इसी तरह का एटमॉस्फेयर है बायकला और दादर स्टेशन के बीच. ये आप देख सकते हैं हम दादर स्टेशन पहुंच रहे हैं और ये हमारी गाड़ी स्टेशन में एंटर कर चुकी है और मैं स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम सही जगह पर जाकर रुकें. और ये थोड़ा सा हम आगे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये गाड़ी दादर से निकलकर कुर्ला पर जाएगी और हम इसी के साथ कुछ नए कैमरा एंगल्स एक्सप्लोर करते हैं. ये आप देख रहे हैं पीछे की तरफ से दिख रहा है, ये एक लॉन्ग व्यू कैमरा है. आप देख सकते हैं अगला जो सिग्नल है वो करीब 250 मीटर पे है. आप देख सकते हैं जिस एंगल से आपको देखना हो ट्रेन को. अभी इस तरह के वीडियो एंगल में आपको स्टेशन कितने मीटर की दूरी पे है उसको ध्यान में रख के आपकी स्पीड को कंट्रोल करना है ताकि आप स्टेशन के बाहर ना चले जाएं. ये आपको जजमेंट लेना होता है कि आप कितने दूर हैं और कितनी ब्रेक लगाएंगे और आप कहाँ पे जाके रुकेंगे. ये एक परफेक्ट टाइमिंग था, एग्जैक्ट 0 मीटर की दूरी पर हमने गाड़ी को रोका है. आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स भी जो लगे हुए हैं वो भी काफ़ी रियल लग रहे हैं.
कुछ इसी तरह के ओडोमीटर्स लगे हुए होते हैं बम्बई के प्लेटफॉर्म पर। अभी हमें रेड सिग्नल दिया गया है, शायद कोई ट्रेन पास होने वाली है। ये आप देख सकते हैं लोग जो हैं बाहर लटके हुए हैं। मुंबई लोकल ट्रेनों की पोजीशन कुछ ऐसी ही होती है। आइए, और ये हमारे हॉर्न बजने पे सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है। अगर आपको सभी तरह के कैमरा एंगल्स को एंजॉय करना है तो आपके आपको मीटर पे बराबर वॉच रखना है, ताकि आप से कोई सिग्नल ना टूटे और आप कोई स्टेशन को बाईपास ना कर दें और आपकी गाड़ी को सही जगह पर जाके रुकाएं। और ये हम घाटकोपर पहुंचने वाले हैं, स्टेशन हमें दिख रहा है दूर से, और हमें ट्रेन को सही जगह पर रोकना है। और ये मैंने लीवर पूरा दबा दिया है और थोड़ा सा आगे निकल गए हम, करीब 11-12 मीटर तक, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ट्रेन थोड़ी स्टेशन से बाहर जाकर रुक गई है, पब्लिक जो है नीचे उतर रही है। ये भी काफ़ी अच्छा एंगल है, केबिन की लाइट्स। दोबारा हमें ग्रीन सिग्नल मिला है, सॉरी रेड सिग्नल मिला है, क्योंकि हम शायद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पर उसके समय से, निर्धारित समय से पहले ही पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। और ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अगला स्टेशन जो है वो है थाने स्टेशन। थाने स्टेशन थाने जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकती हैं। इस खेल को थोड़ा और रोमांचक बनाने के लिए अगर स्टेशनों के बीच थोड़ा गैप ज़्यादा रखा गया होता तो इसे खेलने का मज़ा थोड़ा और ज़्यादा होता। अब देख रहे हैं सामने की तरफ एक ट्रेन आई है और हम भी प्लेटफॉर्म पर रुकने की तैयारी में हैं। आप देख सकते हैं मैंने एकदम सही जगह पर ट्रेन को रुकाया है। और ये क्या है, अब एरियल व्यू ऑफ मुंबई इन एम, मतलब कोई एक ट्रेन है जो आ रही है, जिसकी वजह से हमें साइड लाइन पर रखा गया है। आप देख सकते हैं लाल सिग्नल है, मतलब कोई एक ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है, जिसकी वजह से हमें लाल सिग्नल मिला है। शायद कुछ एरर है, क्योंकि हमें ट्रेन दिख नहीं रही है इस व्यू में। लग रहा है छोटा सा बग है। और ये हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ये लीवर विजिबल हो गया है। हम चले हैं अभी थाने से डोंबिवली की तरफ। आप देख सकते हैं दोनों स्टेशनों में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और रियलिटी में भी इन दोनों स्टेशनों के बीच में गैप ज़्यादा है। ये रिवर ब्रिज भी रियल में है, अगर आप जैसे ही थाने से निकलेंगे डोंबिवली की तरफ, रिवर ब्रिज और उसके बाद ये टनल, ये दोनों ही एक्चुअली में वहाँ पर स्थित हैं। मतलब काफ़ी अच्छे से इस पूरे सिनेरियो को यहाँ पर बिठाया गया है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से गाड़ी पास हो रही है और हम भी उतनी ही तेज़ी से जा रहे हैं। या आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो गाड़ी के सफ़र का, ड्राइविंग का जो मज़ा है वो एक
काफ़ी शानदार एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, लेवल ऑफ क्लैरिटी काफ़ी अच्छा है। ये सामने से एक मेल जा रहा है और हम पहुंच रहे हैं डोंबिवली स्टेशन। आप देख सकते हैं 2 नंबर के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी और 2 नंबर पे ट्रेन भी आई है। और अब हम पहुंच रहे हैं आखिरी स्टेशन पर जो है कल्याण स्टेशन। जब ट्रेन निकली थी सीएसटी से, वो कल्याण के लिए निकली थी। हमने रास्ते में पाइकला, दादर, कुर्ला, घाटकोपर, थाने और डोंबिवली स्टेशन को क्रॉस किया है और अब हम बढ़ रहे हैं आखिरी स्टेशन की तरफ। जर्नी काफ़ी अच्छी थी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। देर आर स्मॉल स्मॉल एरर विच आई कैन सी, बट आई एम श्योर द डेवलपर्स मस्ट बी वर्किंग ऑन इट एंड दे विल सून कम अप विद द ऑल बग फिक्सिंग इन द नेक्स्ट अपडेट। ये इंडियन ट्रेन लोकल ट्रेन स्टेमुलेटर जो है वो अभी अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, जिसके वजह से इसका जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। और ये हम पहुंच गए हैं कल्याण स्टेशन। सिमुलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सिमुलेशन कंप्लीटेड 2। यहाँ पर करियर ऑप्शन भी है, ड्राइव ऑप्शन भी है। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं एडवांस ब्रेकिंग, यूज़र हिंट्स, ऑटो हाइड, कंट्रोल बटन्स, शो अपकमिंग ट्रैक आइटम्स जो हमने ऑन रखा है, कैमरा एंगल्स, ग्राफिक्स जो है मैंने हाई रखे हुए हैं। आप चाहे तो इसको मीडियम या लो भी रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा गेम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी आप ऐसे वीडियो देखेंगे। ये मेरा पहला वीडियो था जो मैंने ऑडियो के साथ शूट किया है और आने वाले सभी वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि ऑडियो के साथ शूट करूँ, ताकि मैं आपको गेम के बारे में भी बता सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप देख पाएँ। थैंक यू।